बतौर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे जी की वो तीन उपलब्धियां कौन सी हैं जो मैं ये कहूं कि कोई शिक्षा मंत्री नहीं कर पाया, वो अरविंद पांडे जी ने। बिल्कुल, वो गरीब जो बच्चा पढ़ना चाहता था। मैं आपको, हमारी आपकी बात एक ही है, हम कह नहीं पा रहे, मैं समझा नहीं पा रहा हूँ। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री का धमाकेदार इंटरव्यू। आपने नहीं कहा कि मेरा नाम क्यों छाड़ा जा रहा है? मैं क्यों कहूँगा, क्या आवश्यकता पड़ी कहने की? गारंटी तो उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता भी। मैं गारंटी दे सकता हूँ, अरविंद पांडे गारंटी दे सकता है कि हरक सिंह रावत संघ का स्वयं सेवक है। मंत्री नाराज होकर दिल्ली पहुँच गए कि उनकी सुनी नहीं जाती है। बिल्कुल, कहीं से कहीं तक कोई ऐसी बात नहीं है। अरविंद पांडे ने क्यों की संन्यास लेने की बात? आप ये कह रहे हैं कि अगर ये साबित करें तो मैं रानी की संन्यास अभी चुनाव लड़ने की सोचूंगा। आपने चुनौती दी? बिल्कुल, मैं हमेशा चुनौती देता हूँ, मैं सबूत आखिर अपने पास रखता हूँ। सार्वजनिक रूप से ये कहा था कि ये मेरी चुनौती है कि मैं सिर्फ अपने विभाग की बात करता हूँ, मैंने 11,000 से ज्यादा नौकरी दी शिक्षा के स्तर पर। तिरक जी, मैं जानता हूँ आप कमिटमेंट के बहुत पक्के हो और ये बात हमने भी आपसे सीखी है। विपक्ष को मंत्री की खुली चुनौती, रविवार शाम 4 बजे देखिए 2 कदम सुभाष गौड़ और तिलक चावला के साथ।